हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई फाई स्टडी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। दोस्तों, यहां पर आपको पता है आज है तारीख 19 मई 2023। दोस्तों, आपके पास सिर्फ 6 से 7 दिन बचे हुए हैं सीटेट फॉर्म की लास्ट डेट के लिए। तो अभी तक काफ़ी सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है, एग्ज़ाम सिटी डिटेल सिलेक्ट करने की बात ही दूर है। यहाँ पर दोस्तों, अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम सिटी सिलेक्ट नहीं किया और आप सोच रहे हैं कि लास्ट डेट तक अगर सीटें बढ़ती हैं तो हम उसमें अपना सिटी चेंज कर लेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर वेरीफाइड नहीं किया तो उसको आप लोग वेरीफाइड कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर कर लेते हैं कि अब आपके पास 6 से 7 दिन बचे हुए हैं लास्ट डेट के लिए, उसके बाद आपकी करेक्शन डेट आ जाएगी। बट यहाँ पर दोस्तों, अभी तक सीटें जो हैं वो अभी तक फुल हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर सीटें क्या हैं, कैसे कितनी सीटें अभी उत्तर प्रदेश में अवेलेबल हैं। दोस्तों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है PYQ का। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेंगे तो डेफिनेटली आपका जो सीटेट है वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको ऐसी आज बुक बताने वाला हूँ जो कि किरण पब्लिकेशन की बुक है, और इसमें आपको 2011 से लेकर के 2023 तक जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जैसे आपको पता है 7 फरवरी 2023 को लास्ट पेपर था, तो दोस्तों 7 फरवरी 2023 तक का भी पेपर आपको यहां पर मिल जाएगा, जो कि शायद सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अभी नहीं है। और उसका आपको डिटेल में सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, विद उसका आंसर भी मिल जाएगा। तो आप अगर इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो यहां पर देख सकते हो साफ साफ 28 दिसंबर और 9 जनवरी, उसके बाद देख सकते हो दोस्तों 7 फरवरी तक के प्रीवियस ईयर पेपर हैं विद आंसर और सेट के साथ एंड डेट के साथ दिया गया। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप भी यहां पे आपको कमेंट सेक्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप अमेजोन से इसको बाय कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत अच्छी बुक है दोस्तों ये। इसका रिव्यू भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी बुक है, साथ में कंटेंट बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले यहां पर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, और दोस्तों आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में अभी एक भी सीट अवेलेबल नहीं है, और जबकि एक सीट जो थी मेरठ थी, जहां पे सीटें अवेलेबल भी थी, बट यहां पर अभी आप देख सकते हो एक भी सीट अवेलेबल नहीं है। बाकी के डिस्ट्रिक्ट जैसे लखनऊ की बात कर लेते हैं, या फिर कानपुर की बात कर लेते हैं, या अगर अलग और अदर डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं, तो वहां पर भी दोस्तों सीटें जो हैं वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। और लगभग जो भी सीटें बहुत जल्दी फुल हो गई थी, जैसे कि मान लीजिए आपका और भी प्रदेश हो गए, ठीक है, तो वहां पर क्या था, वहां पे आपके सारी चीज़ें जो है फुल हो गई थी। तो वहां पर दोस्तों सीटें बढ़ने के चांसेस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो लास्ट डे में जो है वो सीटें बढ़ती हैं, ठीक है, लास्ट डे में, लेकिन वो सीटेट के ऊपर डिपेंड करता है। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप सिटी और सिलेक्ट सॉरी सिटी एग्ज़ाम सिटी जो है वो अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप अभी मत करिए, क्योंकि दिल्ली के दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, है ना, अगर मैं आपको यहाँ पर दिल्ली की दिखा दूँ तो दिल्ली में देख सकते हो आप लोग अभी भी सीटें जो हैं वो अवेलेबल हैं। अगर न्यू दिल्ली की बात करेंगे ना तो अभी भी 1,36,000, तो यानी कि ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। आप लोग क्या कर लीजिए, आपका जो फॉर्म है वो आप लोग भर लीजिए, उसमें आप कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, अप्लाई क्वालिफिकेशन डिटेल, अपलोड फोटो, बाकी के नीचे के 2 स्टेप जो है वो आप छोड़ दीजिएगा, जो एग्जामिनेशन सिटी डिटेल है और फाइनल सबमिट है। जब आपकी सीटें बढ़ेंगी तो आप एग्जामिनेशन सिटी डिटेल सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद फाइनल सबमिट कर दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका होगा। लेकिन अगर सीटें नहीं बढ़ती हैं और आप सोचते हैं कि दिल्ली अप्लाई करना चाहते हैं, तो लास्ट के जो 2 डेज बचेंगे 25 और 26, उसमें आप लोग इसको अप्लाई कर दीजिए, या 26 तारीख को आप लोग ये सारी चीज़ें जो एग्जाम सिटी वगैरह हैं ये सिलेक्ट करके और फाइनल सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर करेक्शन की डेट में कुछ सीटें आती हैं तो बिल्कुल करेक्शन करने के टाइम जो है वो आपकी सीटें जो हैं वो भर जाएंगी और आप उसमें अप्लाई भी कर सकते हो। दूसरी चीज़, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि सर क्या हम करेक्शन डेट में अपना जो पर्सनल डिटेल वगैरह जो करेक्शन करने वाली चीज़ें हैं सर वो करेक्शन कर सकते हैं? तो बिल्कुल, करेक्शन विंडो जो है वो आपके, मैंने बताया था कि किस डेट को, जैसे ही आपका 26 तारीख को ख़त्म होगा उसके बाद 29-30 से, यानी जो दिया गया डेट, उसमें आपकी जो करेक्शन विंडो है वो खुल जाएगी और उसमें आप हर एक चीज़ जो है वो चेंज कर सकते हो जो भी आप लोगों ने फिल किया है। बाकी दोस्तों सीटें की बात करेंगे तो सीटें उत्तर प्रदेश में अब एक भी डिस्ट्रिक्ट कोई ऐसा बाकी नहीं है जहाँ पर आपकी एक भी सीट हो, सारी के सारी सिटी दोस्तों जो है वो फुल हो चुकी हैं। अब यूपी वालों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन, जैसे लखनऊ, कानपुर या फिर इधर के जो हो गए स्टूडेंट, उनके लिए अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो अब दिल्ली है। अगर आप दिल्ली जा सकते हैं तो डेफिनेटली आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप ये 2 स्टेप छोड़ दीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें आप लोग फिल कर लीजिएगा। जैसे सीट बढ़ती है तो एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्ट करके फाइनल सबमिट कर देंगे आप सभी साथी, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, क्योंकि आज है 19 तारीख, काफ़ी दिनों से इसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं था कि क्या क्या सीटें कहाँ के कितने सीटें अवेलेबल हैं, बट मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया सारी चीज़ें, ठीक है। वीडियो को शेयर करिएगा दोस्त मित्रों के साथ, अगर कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।